15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी और आप सबने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। 15 महीनों में जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। आप सब जानते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ना शुरू करें। मैं भी सौदा कर सकता था और सरकार बचा सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। और हमारे हर क्षेत्र में अगर हमने बिजली दी 100 रुपए 100 यूनिट, अगर हमने मध्य प्रदेश और खास करके इंदौर के लिए नई पहचान बनाने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की पहचान, मध्य प्रदेश की विश्वास से ही यहां निवेश आएगा। जो आज तमिलनाडु और केरला में सामान बेचता है वो दूसरे प्रदेशों में, पंजाब हरियाणा में अपने उद्योग लगाते हैं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बना ली। शिवराज सिंह जी के बारे में जितना कहूं उतना कम है। उनका खाना नहीं हजम होता जब तक वो एक झूठ नहीं बोलते, दिन में एक झूठ नहीं बोलते। और मोदी जी के बारे में क्या कहूं, याद है क्या क्या बातें करते थे नौजवानों की, क्या कहते थे किसानों के बारे में? 50% नफा होगा, 4 साल बाद ये सब नहीं कहते। और उनसे पूछो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या किया। मोदी जी, राहुल जी, राहुल जी सुन लीजिए, मोदी जी जब ये पूछते हैं मैं जवाब में कहता हूं, मोदी जी अगर आप स्कूल गए वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया, और शिवराज जी जो स्कूल और कॉलेज में गए वो स्कूल और कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। आज ये तस्वीर आप सबके सामने है, प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। नौजवानों की सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण करूंगा अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के लिए है। और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि तस्वीर आप सबके सामने है, तस्वीर अपने सामने रख लीजिए प्रदेश की, हमारे किसानों की, हमारे नौजवानों की। किसान जिस तरह भटक रहा है, किसान के साथ कितना अन्याय, खाद के लिए, भाव मूल्य के लिए। हमने तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और ये तो पहली किस्त थी, आगे हम चल रहे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। यह इंदौर का बाजार चलता है, कोई दिल्ली से नहीं आता, बंबई से नहीं आता, मिठाई के लिए तो जरूर आता है पर दूसरे बाजार के लिए नहीं आता। ये हमारी आर्थिक गतिविधि जो बनती है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हम सब मिलके राहुल जी को धन्यवाद दें, इनकी मेहनत, इनकी तपस्या आज के लिए नहीं पर हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं और आप मिलके इन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि यही हमारी संस्कृति, हमारा संविधान, हमारे सामाजिक मूल्यों की जो यात्रा है, यही आज एक नई जागरूकता, एक नया उत्साह अपने देश में पैदा हो रहा है। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ो जोड़ो।
एक साथ जोड़ो 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 जोड़ो। आदरणीय राहुल जी, ये महा अहिल्या की वो नगरी है जिसने हमेशा न्याय को पसंद किया है। आज आपके स्वागत सत्कार में क्या मालूम कितने साल पहले का इतिहास टूट गया, और इंदौर की जनता ने जिस तरीके से आपका स्वागत किया, सत्कार किया, इसका मतलब है कि आप जो आवाज दे रहे हैं, जो बात उठा रहे हैं, जो प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, हम सबको मिलकर चलने की आवाज उठा रहे हैं, उसको आम जनता समर्थन दे रही है। जरा मैं इंदौर के परिवारजनों से एक भाव प्रकट करता हूं कि जोरदार तालियों से राहुल जी का आप आए तो आगाज करो जोरदार तालियों से। आदरणीय राहुल जी, आप आए और अपनी बात कहें। नमस्कार। देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए। हम कहते भैया किसान भूखा मर रहा है, ये कहते हैं देखो शाहरुख खान ने क्या बोल दिया। हम कहते भैया कर्जा माफी करनी चाहिए, ये कहते हैं देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ, मजेदार, विराट कोहली ने कैसा चौका मारा। तो इनका काम, और इनकी गलती नहीं है, इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है। इनका काम, असली काम जो लोकतंत्र का होता है, जो काम हम लोकसभा विधानसभा में करने की कोशिश करते हैं, उनका असली काम वो है। अब आप ये मत समझिए कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूं, ये बेचारों की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। इनके यहां पे पीछे लगाम बांध रखी है इनको। ये देखो ये मुस्कुरा रहे हैं। इनको बताया जाता है कि भैया देखो भारत जोड़ो यात्रा चली है, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं, गलती से भी मत बोल देना, मगर इनकी गलती नहीं है क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। जैसे आप रात को आप सोचते हो कि भैया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, चैनल बदलेंगे, पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवे पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी, जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, कभी मोदी जी, कभी ऐश्वर्या राय, कभी अजय देवगन, मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पर नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। और यहां पे इंदौर में जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, और वो आपकी रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उनकी बात कोई नहीं उठाता। कुछ दिन पहले मेरे पास डेलीगेशन आया, मैंने उनसे पूछा, और यहां पे जो भी हैं छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल एक सेकंड में समझ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, डेलीगेशन से पूछा, भैया बताओ हिंदुस्तान के इतिहास में आपके खिलाफ सबसे खराब काम कौन सा था। बिना सोचे एक सेकंड में, पहले नंबर नोटबंदी, दूसरे नंबर जीएसटी। मैंने फिर उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ,
नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, छोटे दुकानदार का फायदा नहीं हुआ, युवाओं का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? एक सेकंड नहीं लगा, सबको मालूम है, बस दो तीन लोगों को फायदा हुआ है, वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है।